वेलकम बैक गाइस। कुछ दिन पहले भाई हर रीजन में से मैंने तुमको बताया था ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन, लेकिन आज हम लोग उससे काफ़ी अलग करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे हर रीजन में से ऐश का एक पोकेमॉन जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा है और एक पोकेमॉन जिसका विन रेट सबसे कम है। यानी कि भाई कैंटो से लेकर गलार तक मैं तुमको बताने वाला हूँ कि हर रीजन में से किस पोकेमॉन का विन रेट सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। और ऑब्वियसली मैं उसी रीजन की टीम की बात करूँगा, ऐसा नहीं कि भाई कोई पुराना पोकेमॉन भी अगर उस रीजन में गया हो तो उसका विन रेट हम लोग देखेंगे, नहीं भाई उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और यार पिकाचु तो ऐश की हर एक रीजन की टीम में आता ही है, इसलिए हम लोग पिकाचु को भी काउंट नहीं करेंगे और वैसे भी उसका विन रेट काफी अच्छा ही होगा। तो हाँ, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पोकेमॉन के फर्स्ट रीजन यानी कि कैंटो रीजन के साथ में। कैंटो में भाई ऐश के पास काफ़ी सारे पोकेमॉन्स थे और हाँ पहले ही बता दूं, ऐश के जो ऑरेंज आइलैंड के पोकेमॉन्स हैं वो भी भाई कैंटो टीम में ही गिने जाते हैं। तो ऐश के पास होते हैं टोटल 11 पोकेमॉन्स उसकी कैंटो टीम में, जिनमें से भाई जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा था वो है ऐश का स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स की विन परसेंटेज है 83%, क्योंकि भाई स्नोरलैक्स ने 22 बैटल्स में से 19 बैटल जीती हैं, सिर्फ 3 बैटल हारा है भाई वो। और वो 3 बैटल जो हारा है वो थी क्लियर के गैलाडोस के अगेंस्ट, और एक है भाई हैरिसन के हाउंडूम के अगेंस्ट, और एक है गैरी के सिजोर के अगेंस्ट। कैंटो में जिस पोकेमॉन का लोएस्ट विन रेट है वो है ऐश का मक। मक ने भाई टोटल 3 बैटल्स लड़ी हैं और 3 में से वो 2 हारा है और सिर्फ 1 जीता है, और वो 1 जीत वही थी भाई बेलस्प्राउट के अगेंस्ट। और इसका जो विन परसेंटेज है वो है 33%, जो कि कैंटो में सबसे कम है। नेक्स्ट रीजन आता है जोटो रीजन। जोटो के अंदर भाई जिस पोकेमॉन का विन रेट सबसे ज़्यादा है वो है ऐश की बेलीफ। बेलीफ ने भाई टोटल 38 मैचेस लड़ी हैं जिनमें से वो 32 बैटल जीती है, और इसका विन रेट है भाई 84%, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है भाई। इससे भाई एक्चुअली हम लोग बेलीफ की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेलीफ कितनी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है भाई ऐश की जोटो रीजन की। देख सकते हो यार, इसने बस 6 बैटल्स हारे हैं, उसके बावजूद भाई ये इतनी अंडररेटेड है। इसने सिर्फ 6 बैटल्स हारे हैं 38 में से और 32 बैटल जीते हैं, तो तुम समझ सकते हो यार ये भी एक्चुअली बहुत पावरफुल पोकेमॉन है ऐश की। और एक काफ़ी इसकी यादगार हार है जो कि थी गैरी के ब्लास्टोइस के अगेंस्ट। भाई काफ़ी ट्राई किया था बेलीफ ने लेकिन तब भी उस बैटल में हार गई थी। जोटो में जिसका विन रेट सबसे लो है वो भाई ऐश के 2 पोकेमॉन्स हैं, एक है ऐश का हेरक्रॉस और एक है ऐश का नॉकटाउल। इनका भाई विन रेट एग्जैक्ट सेम है जो कि है 64%, क्योंकि इन दोनों ने 11 बैटल्स करी हैं टोटल और दोनों ने ही भाई 7-7 बैटल जीती हैं, मतलब बिल्कुल सेम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं जिसको रख रहा हूँ वो है ऐश का नॉकटाउल, क्योंकि देखा जाए तो यार हेरक्रॉस ने थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराया है नॉकटाउल के कंपेरिजन में, जैसे कि भाई वो सिजोर मैगमार, तो इसी वजह से भाई यहाँ पर हम लोग नॉकटाउल को रख रहे हैं जिसका विन रेट सबसे कम है यहाँ पे 64%। 4 बैटल जो कि ऐश के नॉकटाउल ने हारी थी वो है एक तो कॉनवे के डस्कनॉर के अगेंस्ट, एक है भाई हैरिसन के स्टीलिक्स के अगेंस्ट, एक है ऐश के पिकाचू के अगेंस्ट, और एक लास्ट बैटल है भाई क्लियर के किंगड्रा के अगेंस्ट। नेक्स्ट रीजन आता है होएन रीजन। होएन के अंदर भाई जिस पोकेमॉन का विन रेट सबसे ज़्यादा है वो है ऐश का ग्लेली। ग्लेली का विन रेट है भाई 75%, क्योंकि इसने टोटल 8 मैचेस लड़ी हैं और 8 में से भाई इसने जो बैटल जीती हैं वो है 6, यानी कि इसने बस 2 ही बैटल हारी हैं, और वो 2 बैटल थी, एक तो भाई पिकाचू के अगेंस्ट, ऐश का ही पिकाचू था भाई वो, उसके अगेंस्ट हार गया था भाई स्नोरंट, और एक भाई होएन का लास्ट जिम बैटल था जहाँ पे एक डबल बैटल चल रही थी उसमें भाई सीकिंग से हार गया था ग्लेली। तो ये 2 बैटल जो भाई ग्लेली ने हारी हैं, और इसका सबसे हाईएस्ट विन रेट है होएन में जो कि 75%। और होएन में जिसका विन रेट सबसे ज्यादा लो है वो है भाई टॉरकोल। टॉरकोल का विन रेट है 61%, इसने भाई टोटल 18 बैटल्स लड़ी हैं जिनमें से 11 जीता है और बाकी की भाई हार गया, यानी कि 7 बैटल इसने हारी हैं, तो इसका विन रेट सबसे कम है भाई होएन में। होएन में ज्यादातर पोकेमॉन्स का विन रेट अच्छा है। नेक्स्ट रीजन आता है सिनो रीजन। सिनो की भाई टीम ऐश की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इनमें से भाई जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा है वो है इन्फरनेप। इन्फरनेप भाई ऐश का सिनो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और इसका विन रेट भी एक्चुअली सबसे ज़्यादा है। ऐसा भाई ज़्यादातर होता नहीं है कि जो पोकेमॉन ऐश का उस रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसका विन रेट भी सबसे ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन यहाँ सिनो में है भाई। इसका जो विन रेट है भाई वो है 80%, क्योंकि भाई इन्फरनेप ने 46 बैटल्स में से 37 बैटल जीती है, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ 9 बैटल्स हारी हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बात है। सिनो में जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा कम है वो है ऐश का ग्लाइस्कोर। ग्लाइस्कोर का भाई भले ही विन रेट कम हो, लेकिन यार ये मैं बोलना चाहूँगा यार ये ऐश का एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, क्योंकि सबको याद ही होगा भाई ग्लाइगर कितना ज़्यादा वीक था और कितना डरपोक था, मतलब भाई हमेशा ही रोता रहता था और उसको बैटल करना पसंद ही नहीं था, लेकिन फिर भी भाई ऐश ने उसको मोटिवेशन दी और इतनी ट्रेनिंग के बाद फाइनली वो इतना स्ट्रॉन्ग बना। अब अगर बात करूँ ग्लाइस्कोर के विन रेट की तो इसका विन रेट सिर्फ 33% है, जो कि सिनो में सबसे कम है। इसने टोटल 9 बैटल्स में से सिर्फ 3 बैटल जीती हैं, जिनमें से एक बेस्टियोडॉन के साथ में थी जो कि एक जिम बैटल थी, और एक पॉल के ड्रैपियन के अगेंस्ट भी थी। नेक्स्ट रीजन आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा के अंदर भाई जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा है वो है स्क्रैगी।
स्क्रैगी वैसे भाई मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये देख के भाई मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ कि इसका विन रेट काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि इसने टोटल 8 बैटल्स लड़ी हैं जिनमें से भाई ये 6 बैटल जीता है, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल्स हारी हैं और इसका विन परसेंटेज 75% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे जिन 2 बैटल्स में हमारा स्क्रैगी हारा था उसमें से भाई एक बैटल थी आयरस के एक्सयू के अगेंस्ट और एक बैटल थी भाई एक थ्रो पोकेमॉन के अगेंस्ट जो कि एक टूर्नामेंट में हुई थी, वहाँ पर भी हार गया था। यूनोवा के अंदर जिस पोकेमॉन का विन रेट सबसे कम है वो है ऐश का पेल्पिटॉड। पेल्पिटॉड का विन रेट है 50% क्योंकि इसने 6 बैटल्स लड़ी हैं जिनमें से 3 ये हारा है और बस 3 ही जीता है। जिन 3 पोकेमॉन्स ने इसको हराया था उनमें से एक था भाई ऐश का ऑर्शोवॉट, एक है इमोलगा और एक है गार्बोडोर पोकेमॉन। बाय द वे ऐश का यूनोवा का एक और पोकेमॉन यानी कि बोल्डोर, उसका विन रेट भी भाई 50% ही है, यानी कि बिल्कुल सेम पेल्पिटॉड जितना। लेकिन यार यहाँ पे मैंने पेल्पिटॉड को इसलिए रखा है क्योंकि एक तो बोल्डोर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी था, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, ऊपर से भाई उसने बैटल ज़्यादा लड़ी हैं इसके मुकाबले, तो इसीलिए। नेक्स्ट रीजन आता है कालोस रीजन। कालोस के अंदर भाई ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे और एक तो भाई उसका पिकाचू ही है, तो हम लोग तो विन परसेंटेज 5 पोकेमॉन में से ही देखेंगे। ये सारे के सारे फुल्ली इवॉल्व भी थे बाय द वे, इसलिए टीम काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा है वो है ऐश का गुडरा। गुडरा ने भाई टोटल 16 बैटल्स लड़ी थी जिनमें से वो 14 बैटल जीत गया और बस 2 बैटल हारा था। जिन बैटल्स में वो हारा था एक तो भाई वो है अलान के बिशार्प के अगेंस्ट और एक थी भाई एक गैलेडोस के अगेंस्ट जिसने भाई हरा दिया था गुडरा को। और यार कैलोस के अंदर जिसका विन रेट या फिर तुम कह सकते हो विन परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम है वो है ऐश का नॉयवन। नॉयवन ने भाई 50% बैटल जीती है, मतलब उसका विन परसेंटेज 50% है क्योंकि उसने टोटल 10 बैटल लड़ी थी उनमें से वो 5 बैटल जीता है और 5 बैटल हारा है। नेक्स्ट रीजन आता है अलोला रीजन। अलोला के अंदर भाई एक्चुअली ऐश की टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थी भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ऐश की और यहाँ ऐश के ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन्स का विन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब प्रीवियस टीम से कंपेयर करें तो भाई सबका विन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐश की अलोला टीम में। पर यार सब में से जिसका विन रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है ऐश का नगेनेडेल। इसका विन रेट है 86% क्योंकि भाई इसने 7 बैटल लड़ी हैं टोटल जिनमें से 6 बैटल जीता है, यानी कि बस एक हारा है और वो जो एक हारा था वो थी भाई टापू कोको के अगेंस्ट। ऑब्वियसली भाई टापू कोको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है इसीलिए नगेनेडेल नहीं जीत पाया उससे। और अलोला के अंदर जिसका विन रेट सबसे कम है वो है ऐश का राउलेट। वैसे यार ऐश का राउलेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई अलोला टीम में सबका ही विन रेट बहुत अच्छा है इसीलिए ये सबसे कम में आया है। बात करें भाई राउलेट के विन रेट की तो इसका विन रेट है 72%, मतलब समझ रहे हो भाई पूरे रीजन में जिसका सबसे कम विन रेट है वो सिर्फ 72% है, जो कि एक्चुअली भाई बहुत अच्छा विन रेट है, लेकिन ये यहाँ पे सबसे कम है क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें भाई अलोला रीजन में सबका ही विन रेट बहुत अच्छा है। तो भाई ऐश के राउलेट ने टोटल 25 बैटल्स लड़ी हैं जिनमें से वो 18 जीता है और बाकी सब हार गया था। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है गलार रीजन, सबको पता ही होगा, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ इसको इंक्लूड ना करूँ गलार को, क्योंकि यार ये तो अभी चल ही रहा है तो हो सकता है भाई पोकेमॉन्स के विन रेट बदल जाएंगे। लेकिन फिर भी यार अगर तुमको चाहिए कि मैं अभी तक क्या चल रहा है उतना बताऊँ, तो यार अभी तक तो ड्रैगनाइट का विन रेट सबसे ज़्यादा है ऐश के सारे पोकेमॉन्स में से, ये एक भी बैटल नहीं आ रहा अभी तक। और सबसे कम है मेरे ख्याल से गेंगार का विन रेट भाई सबसे कम है फिलहाल गलार में। तो हाँ ये है भाई सबसे ज़्यादा और सबसे कम गलार के अंदर, ये वैसे बदल सकते हैं क्योंकि गलार अभी चल ही रहा है, देखते हैं भाई। बाकी यही थी हमारी आज की वीडियो, सारे रीजन्स खत्म हो चुके हैं। पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर देना, एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो भाई पोकेमॉन कंटेंट के लिए। मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये रही हमारी आज की पोके क्विज। बाय बाय।